पैशनेट हैं हम लोग काम के लिए, दोनों बहुत पैशन है। और जब वो सेट पे होती थी तो जितने भी एक्टर्स होते थे बहुत ही लाइक शिद्दत के साथ काम करते थे, क्योंकि वो खुद शिद्दत के साथ काम करती थी। तो एक कमाल की एक्टर हैं और नो डाउट पूरी टीम को जो लेके चली हैं वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ थी। उनका ये कहना है आपके बारे में और कहा कि वो बहुत रिलेट करता है जी उनकी शख्सियत से, क्या कहना चाहिए? वेल आई थिंक उन्होंने बिल्कुल सही कहा। हम लोग जो भी हैं जब भी बातें करते हैं बहुत हंसते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है। छोटे शहरों की बातें, मिडिल क्लास फैमिली की बातें, और सबसे बड़ा जो उनका टैलेंट है, और इतना ज़्यादा उनका टैलेंट है कि टैलेंट के बल पे ही वो आगे आए हुए हैं, जो कि आई थिंक मैं कोई मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड या सुपर मॉडल या कोई किसी की बेटी नहीं, उन्हीं की तरह हम भी आगे आए हैं। तो डेफिनेटली रिलेट तो करते ही हैं, इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है उनकी। सो मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मुझे मेरी पहली फिल्म में एज प्रोडक्शन में नवाज सर मिले हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कास्टिंग में बहुत एकदम हटके की है, किसने एक्सपेक्ट किया था अपनी को और आपने उनको कास्ट किया कि ये एक जोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग पेयर लग रहा है? जी जी, मुझे सबने बहुत वॉर्न किया था इसके अगेंस्ट कि यू नो चाहे जो भी एज गैप है या जो भी है, आई सेड इट सूट्स माई स्टोरी और ये मेरी स्टोरी को सूट करता है। एंड जो चाहे तनु मनु में भी, मेरे में और माधवन में जिस तरह की एक जक्स्टापोजिशन थी कैरेक्टर्स की, वही वर्क करती है केमिस्ट्री में। सो इट वाज माय बिलीफ के अवनीत इज़ द राइट पर्सन फॉर माय दिस फिल्म, एंड विद नवाज सर उसकी जोड़ी बहुत बड़ी हिट रहेगी। दिस इज़ माय फीलिंग, बट लेट्स सी अभी बाकी तो आप लोगों के।